जब भी हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला होता है तो हम क्या करते हैं लेट वन नंबर बी एक नंबर अगर x है तो हमारा नंबर क्या होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है सो दिस नंबर हो जाएगा x ठीक है ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ तो जब भी पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिवीचे बोलेंगे एक x ले लिया एक x प्लस वन ले लिया अब बोला है सम ऑफ हुक्वायर इन दोनों का सम नहीं इनके स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इनका जो सम है दैट इज 365 ठीक है दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया दोनों का सम 365 है ये क्वेश्चन में गिवन है चलो सॉल्व करते हैं ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे अपना फॉर्मुला लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओके जी इक्वल्स टू 365 सिक्सटी एंड ये हो जाएगा टू दिस विल बी प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन भी है ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा टू एक्स आ गया है और ये हो जाएगा माइनस थ्री सिक्सटी फाइव इक्वल टू जीरो सो तो यहाँ पे बचेगा ये आ गया टू एक्सर प्लस टू एक्स एज इट इज प्लस माइनस माइनस थ्री सिक्सटी फाइव में से वन माइनस करेंगे थ्री सिक्सटी फोर लेकिन का इक्वल्स इसमें से देखो टू कॉमन मिल रहा है मेरे को मैं तो एट so, पे और ये आ गया टू इक्वल्स टू जीरो सो यहाँ पे टू को तो इधर भेज देंगे हम दो तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो जीरो ही हो जाएगा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अब 182 को हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करके तो 182 है, लेकिन करके ना है. अभी हमने आएंगे उधर प्लस किया था यहाँ थर्टीन माइनस करो वन आएगा सो वही लेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्सोर्टीन एक्स में इसको कर देंगे माइनस थर्टीन एक्स ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए लेकिन साइन प्लस का ही रहे माइनस वन एटी टू इक्वल्स टू जीरो अब इसमें एक्स कॉमन मिल गया हमें ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन यहाँ पे माइनस थर्टीन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस अगेन इक्वल्स टू जीरो आ गया एक्स प्लस तो कॉमन ही है यहाँ पे बचा एक्स माइनस थर्टीन दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर्टीन और एक्स की वैल्यू आ गई थर्टीन ठीक है अब यहाँ पे देखो हमें बोला था पॉजिटिव इंटीजर तो मतलब ये एक्स माइनस फोर्टीन तो हो ही नहीं सकता तो एक्स केन नॉट बी